Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो हाय वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चे लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं. पार्ट फर्स्ट में मैंने बात की थी यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंसल्ट करने वाली हूँ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम जो वाला वीडियो था उसमें मैंने पूरा बुक से बताया था, बट यहाँ पर मैं मेरे नोट्स भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ और साथ ही हम बुक से भी आप पर थोड़ी बहुत स्टडी करने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है. कोई भी प्रोसेस विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं किया जाता. हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. वैसे ही क्या होता है मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट क्या है, एक टोटली ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. मैनेजिंग इज़ अ फंक्शन एंड एवरी फंक्शन हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है. मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन बताया है, और हर फंक्शन के क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव हैं. इन दिस वे मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सम ऑब्जेक्टिव्स, ओके. सिंस द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वाइड फंक्शंस, मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटा टास्क है. मैनेजमेंट खुद में एक वाइड टास्क है, और यहाँ पर उसके क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. Therefore, its objectives are also wide, which can be divided mainly into four parts. जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको classified करने के purpose से क्या कर दिया जाता है, उनका distribution कर दिया जाता है. तो यहाँ पर management के बहुत सारे objective हैं, इसलिए उनको क्या किया गया, चार parts में divide कर दिया गया है, और फिर उन चार parts के सब objectives आपको पढ़ने को मिलेंगे. चार parts कौन कौन से हैं? Primary objectives, secondary objectives, personal objectives and social objectives. इनको मैं डिस्क्राइब करने से पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थोड़ा सा वीडियो में डिले चल रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ही स्मूथली मैं कवर करवा सकूँ. PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं. व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेसिकली हमें पता है कि जो हम, अगर हम हमारी नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो हमारे लिए जो चीज़ मेन है, जिस चीज़ को हम प्रिफर कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी उसमें इंटरेस्ट है, आपके कंज्यूमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ओनर्स हो गए, ठीक है, उन सबके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने किस में आते हैं, आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में. सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट हैज़ बिन एस्टेब्लिश, और बेसिकली जिस मेन पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, वो भी आता है आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में. देयर फॉर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं लाइन्स में दिए गए हैं, और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं लाइन से बिलीव नहीं करती, मैं बात करती हूँ केवल पॉइंट टू पॉइंट. तो हम उस पॉइंट टू पॉइंट को यहाँ पर मेरे नोट्स में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है. एज अ नोट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. PDF के लिए अगेन आई एम सेइंग, आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है. अगर एग्जाम में आता है एक बड़ा क्वेश्चन, तब आपको भी इसी टाइप का एक चार्ट क्रिएट करना है, क्योंकि एक अच्छा पैटर्न होता है किसी भी आंसर को लिखने का, ठीक है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो प्रोटेक्शन ऑन ऑप्टिमम कॉस्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट होती है. प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा, तब आप क्या करेंगे, जब अपनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे और एक मिनिमम कॉस्ट पर उसको रखेंगे, ठीक है, तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ऐसा नहीं है कि कॉस्ट भी आपकी हायर जा रही है और प्रॉफिट, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा. क्योंकि अगर आप कॉस्ट ज़्यादा रखोगे तो आपके प्रोडक्ट की रेट भी बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने में मे भी कम इंटरेस्टेड हो, बट क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी अच्छी है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, और रेट भी हमने क्या कर रखी है, उसी अकॉर्डिंग सेट कर रखी है, तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और हमारी सेल्स भी ज़्यादा होगी. तो प्रोडक्शन ऑन ऑप्टिमम कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस. किसी भी चीज़ के लिए हम भी ये जानते हैं, ठीक है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो हम क्या प्रिफर करते हैं, कि ठीक है अगर उसी रेट में, उससे कम में हमें बेटर मिल रहा है तो हम उसको प्रिफर करते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको क्या करनी चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर देनी चाहिए. अर्न सूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ऐसा नहीं कि उसने लूट मचा रखी हो, ठीक है, एक रीजनेबल, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रॉफिट का भी. ऐसा नहीं कि आपकी कॉस्टिंग तो किसी चीज़ की 5 रुपये आ रही है और आप उसको बेच 70-80 रुपये में रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो जाता है. तो अर्न सूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट,
ठीक है, ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या कौन से होते हैं जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के पाने के लिए, जो हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। जनरेटिंग क्वालिटी एंड वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा सुनते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिट बट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं का यूटिलाइज इस तरीके से करना है ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकें। यूज ऑफ रिसोर्सेज एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, अगर किसी चीज़ को आपने ऑन टाइम और प्लेस पर ही यूज नहीं किया तो फिर सब कुछ वर्थलेस हो जाता है। अगर आपको अभी एजुकेशन के वीडियोस चाहिए 12th क्लास के, और इफ मैं वो वीडियोस क्या कर रही हूँ दिसंबर या जनवरी में अपडेट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ये बात है आपके लिए क्या है, वो यूजलेस है, क्योंकि जब तक आप क्या कर चुके हो, सब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए, ये वीडियो क्या है, एक रिसोर्स है आपकी पढ़ाई का। वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, ठीक है। अगर उन्होंने ऑन टाइम ऑन प्लेस पर ही उसे यूज़ नहीं किया, अगर अभी बरसात का मौसम है, छाते की इंडस्ट्री ने छाता ही नहीं बनाया इस मौसम में, तो फिर सर्दी में तो वो बिकेंगे नहीं, तो क्या हुआ, ये तो बिल्कुल यूजलेस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि ह्यूमन को बाकी जो भी रिसोर्सेज होते हैं लाइक मशीन, मनी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो तो ह्यूमन नहीं है उनके साथ, और वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे नहीं। एक ह्यूमन को ही उनके बीच में क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो ना तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे और ना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में। टू गिव कम्फर्टेबल एनवायरमेंट, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अपने अंडर काम करने के लिए रख रहे हैं, हालांकि आप उनको क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बट एक ड्यूटी ये भी बनती है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो लोग हमारे इंडस्ट्री में हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उनको एक कंफर्टेबल क्या करें, एनवायरनमेंट दें, ताकि वो लोग सूटेबली हमारे ऑफिस में काम कर सकें, हमारे साथ वर्क कर सकें, रह सकें, ठीक है ना। रहना, क्योंकि एक एम्प्लॉय को 7 to 8 hours ईजिली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने होते हैं, स्पेंड करने होते हैं, तो वहाँ पर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप ही स्कूल में जा रहे हैं और आपके स्कूल में क्या है, पंखे ही नहीं है, ठीक है, स्टूल्स नहीं है, आपको नीचे दरी में बिठाया जाता है, या फिर ठीक है क्लास का क्या है एनवायरनमेंट इतना गंदा है, यहाँ पर पूरी डस्ट होती है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन मिचुअल्स, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, हर कोई अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होता है वहाँ पर आता है। तो कोऑर्डिनेशन बिठाना किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये भी क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोटेक्ट एम्प्लॉय राइट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके राइट्स को भी क्या करना होता है, सेव करना होता है। राइट्स का मतलब उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, उनके फ्यूचर के लिए सेफ्टी रखना, ठीक है। अगर आपने सुना हो प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, LICs होती हैं, ये सब भी किसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्टिव जो कि क्या कर रहे हैं, किसी सोसाइटी के लिए, यानी कि जिस भी रिलेटेड ऑर्गेनाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, एटलीस्ट उस सोसाइटी की तो वो क्या करे, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, तो उनको इस तरीके से यूज़ करो ताकि उनको हम बहुत ज़्यादा क्या करें, वेस्ट नहीं करें। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का वेलफेयर करना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कोऑर्डिनेशन विद सोसाइटी, कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाते हैं, मान लो आपने क्या करा, कोई नॉर्मल बहुत अच्छा रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और आपने क्या करा, वहाँ पर पटाखे की इंडस्ट्री खोल ली, तो ये क्या हुआ, ये तो बहुत अनएथिकल हुआ, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना चाहिए। आपको ऐसी इंडस्ट्रीज एरिया टू एरिया देखकर कवर करनी चाहिए। आपको पटाखे की इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा सिटी से दूर खोलनी चाहिए, सिटी में ऐसी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को काम भी मिल सके और वहाँ पर आपका एनवायरमेंट भी पॉल्यूट ना हो, ना ही वहाँ के लोगों को क्या हो, किसी भी तरीके का आपके ऑर्गेनाइजेशन से उनको हार्म हो रहा हो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर मेरे जो नोट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर बुक में कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को बताया है। फर्स्ट पॉइंट था आपका ऑप्टिमम कॉस्ट वाला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, ओके। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू गिव एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनको क्या कर रहे हैं, कम कम प्राइस पे ले रहे हैं, आइदर वो कोई मशीन हो, ठीक है, इसके अलावा आपने वो लैंड ली है, बिल्डिंग ली, ऐसा नहीं है कि वो उसकी वर्थ तो थी 1 crore रुपीज़ किसी बिल्डिंग की और आपने उसको केवल 10 lakh ही पे किया, तो ये भी गलत होता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अर्न अ
सूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, एक सूटेबल अमाउंट प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि वो क्या कर, क्यों रन कर रही है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वहाँ पर रन कर रही है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द इंटरनल वर्क सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन वर्क परफॉर्मेंस। अंडर दिस डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी यूज्ड इन सच अ वे सो दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी मैक्सिमाइज। जैसा मैंने बताया था कि सेकेंडरी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ हो सके। अगर फनी वे में देखा जाए तो हमारे घर में कोई चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, पूरा उसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम क्या कर देंगे, ठीक है थोड़ा सा यूज़ करा और फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, हर रिसोर्स को उसमें क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से उसका यूटिलाइज वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है इसके मैनेजमेंट आपके लिए, मैनेजमेंट के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज, यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, टू ब्रिंग टुगेदर दीज रिसोर्सेज इन सच अ वे एज आई टोल्ड यू टू वी आर टॉकिंग देयर एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज। ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मतलब यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं से ही है। एज मैंशनड अबव डिफरेंट रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज बिकॉज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर रन बाय देम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। यहाँ पर आपको जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग से नहीं दिए गए, ओनली पैराग्राफ है, जबकि मैंने वहाँ पर आपको पॉइंट्स में क्लियर किया है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो भी यहाँ पर आपको अलग से नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको मेरे पॉइंट्स में क्लियर किया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस यानी कि आपका उल्टा बोल दिया मैंने, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की, आपने अगर मैनेजमेंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको मन से भी लिख सकते हो, वहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट फिर भी एक होप लेकर चल सकते हैं कि अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इजीली एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। द मैनेजमेंट वॉज इन द फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन सम फॉर्म इन विच द ह्यूमैनिटी स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, ठीक है। कब से माना गया मैनेजमेंट का बर्थ, एक तरीके से देखा जाए तो कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ और एक ह्यूमन ने क्या करा है, मैनरफुली तरीके से रहना स्टार्ट किया है। ऑर्गेनाइज्ड वर्क कैन नॉट बी अचीव्ड इन एनी फील्ड बट बी इट इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल और लीगल विदाउट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। कोई भी एरिया हो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आप उस एरिया के ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में क्या कर सकते हो, अचीव नहीं कर सकते। सिमिलरली वेदर देयर इज एनी कंट्री और एनी इकोनॉमिक सिस्टम और एनी डिस्प्यूट, अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, तो कुछ कुछ वहाँ का वही वाला पार्ट है कि किसी भी एरिया में चल जाओ, किसी भी कंट्री में चल जाओ, इफ मैनेजमेंट नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तो यहीं पर पता चल जाती है कि एवरीथिंग इज वर्थलेस विदाउट गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इक्वली इन दिस रिगार्ड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ उर्विक शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो जैसे कुछ कुछ लाइन्स होती हैं कि उर्विक हैं, उन्होंने क्या करा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक लाइन बोली कि नो थ्योरी प्रॉमिस और पॉलिटिकल इमेजिनेशन कैन मेक मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीवेबल बाय यूजिंग लिमिटेड ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड विद मिनिमम एफर्ट्स। इट इज ओनली पॉसिबल बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, कि कुछ भी कर लो अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये कुछ लाइंस होती हैं, ये एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर डालती हैं, इफ हमें याद है तो हम लिख सकते हैं। अगर अलग अलग क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपको चैप्टर जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको आराम से लास्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो CBSE से बिल्कुल मैच करते हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर एक 12 CBSE की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप अपने कुछ कुछ टॉपिक्स वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सेम है, उनका डिस्क्रिप्शन सेम है, समझाना सेम है, तो फिर वापस उसकी वीडियो बनाना थोड़ा वर्थलेस मुझे लगता है, ठीक है। जैसे आपका प्रोफेशन वाला जो क्वालिटी है, सॉरी नेचर है आपका मैनेजमेंट का, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट्स, वो वाला वीडियो भी अवेलेबल है,
ठीक है। और उसके अलावा दो तीन वीडियोस बहुत सिमिलर से रहने वाले हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी, ठीक है। तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला, नोट्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोग इतना सा कॉपरेट मेरे साथ करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन द लेवल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोर फैसिलिटीज कैन बी लेड इन द मॉडर्न एरा। न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर बींग एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक डिफरेंट रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट, ठीक है। डे टू डे जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, रिसर्च होती जा रही है, डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, मैनेजमेंट में भी नए नए टास्क, ठीक है, नई नई बातें एड ऑन होती जा रही हैं। टुडे द मैनेजमेंट हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट वॉज ऑल्सो एसेंशियल इन द एंशियंट टाइम एंड इन टूडेज इन्वायरमेंट इट हैज़ बिकम मोर इंपॉर्टेंट। कि एंशियंट टाइम में भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था और जो हम करंट सिनेरियो हमारा चल रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है ही। देर आर टू रीजन्स। फर्स्ट, द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम क्वाइट वाइडर देन इन द पास्ट। देखो ना तो पहले लोग होते थे ना इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते थे, तो जैसे काम चल रहा था वैसे चल जाता था। पर अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उनमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर आपको एज अ पैराग्राफ मैनेजमेंट की क्या कर रखी है, इंपॉर्टेंस बता रखी है। पर एज यूजुअल ऐसे कि हम केवल पॉइंट्स में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता रखा है, फैक्टर्स बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन, बट ये थोड़ा यहाँ पर ब्लर है तो उसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए जब मैं ये समझा रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी बुक साथ में लेकर बैठना ताकि आपको ये यहीं पर क्लियर हो जाए। बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ द मार्केट, बिफोर लिबरलाइजेशन कैसा था, सेलर मार्केट, यानी कि जो सेलर बनाएगा वही मार्केट में बिकेगा। जो मतलब जैसे लाइक इफ मैं क्या हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं कुछ बना रही हूँ तो मार्केट में आपको मैं वही बेचूंगी, वही खरीदना पड़ेगा, आपकी चॉइस का कुछ आपको नहीं मिलने वाला। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ गए, तो बायर्स का मार्केट बन गया। एक एक प्रोडक्ट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे मोबाइल फोन हो, पेन हो, कॉपी हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, मोनोपोली था और लिमिटेड कॉम्पिटिशन था। एज आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइजेशंस कम थे, पॉपुलेशंस कम थी, ठीक है, पैसा भी लोगों के पास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं उस टाइम में हुआ करता था। लेकिन अगर आपकी बात की जाए यानी कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो फुल कॉम्पिटिशन है, क्योंकि लोगों की पहले से क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, लोगों के इनकम सोर्सेज भी पहले से बढ़ गए हैं, लोगों की चॉइस में भी चेंज आया है। द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन पहले क्या था, इंटरनल था, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद से ही कॉम्पीट करना होता था कि लास्ट ईयर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या वो उस साल ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अंदर स्टाफ में तो कोई इश्यूज नहीं चल रहे। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन भी और इंटरनल भी, ठीक है। एक्सटर्नल हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्पीट करने के लिए, और इंटरनली अगर बात की जाए तो कि हमारा स्टाफ किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने की तो नहीं सोच रहा, कुछ और प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ नहीं हो रही। बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, लाइसेंस एंड कोटा, पहले अगर आपने लिबरलाइजेशन पॉलिसी पढ़ी हो तो ओनली क्या है, छह जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थे, छह जो इंडस्ट्रीज थी, उन्हीं को लाइसेंस के लिए रखा गया था, बाकी सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया था। बट कब, लेकिन वो तो था आपके आफ्टर लिबरलाइजेशन, उससे पहले मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी उन सबके लिए लाइसेंस जरूरी था और कोटा जरूरी था, जो कि हर किसी को नहीं मिला करता था। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आया तो अब ओनली तीन इंडस्ट्री हैं जो क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया गया है। और इनफैक्ट अब तो रेलवे भी क्या हो रही है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में जाती जा रही है। बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनल और कैपेसिटी बेस्ड बिजनेस, ठीक है। बिफोर लिबरलाइजेशन की बात की जाए तो इंटरनल, यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज जितने होते थे उसी अकॉर्डिंग उसका क्या होता था, डेवलपमेंट होता था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन की जितना आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो ना, आपके बिजनेस में कितनी कैपेसिटी है फैलने की, कितना डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, वो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, डेवलप्ड होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मोर एंड मोर प्रॉफिट। लिबरलाइजेशन में क्या होता था, बिफोर लिबरलाइजेशन होता था कि मैं बना रहा हूँ, मेरा पैसा मेरे प्रोडक्ट में लग रहा है, तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, चाहे वो अनएथिकली क्यों ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्टिफिकेशन भी जरूरी है सबका। जैसे मान लो आपको मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने गए, अब पहले क्या होता था, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, ओके। अगर केवल एक एग्जाम्पल है मैगी का, ठीक है, तो पहले आपको क्या मिलती थी, केवल ऑनली एंड ओनली मार्केट में मैगी मिलती थी। आप जाएंगे ले आएंगे, अब चाहे वो 5 रुपए वाले पैकेट को 7 रुपए का भी कर दें, तब भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मैगी की क्वालिटी गिराने तब भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो खाने का मन है। बट अब आफ्टर लिबरलाइजेशन आपके पास क्या है, मैगी के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पतंजलि की अवेलेबल है, इसके अलावा यिप्पी नूडल्स अवेलेबल है, और भी लोकल काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। तो जो आपको टेस्टी लगेगा, जो आपके बजट में होगा, ऑफकोर्स ही बात है आप उसको लेना प्रिफर करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिफोर लिबरलाइजेशन में क्या था, सेकेंडरी था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर का मन होता था वो करता था, और मैनेजमेंट को वो क्या मानता था, सेकेंडरी मानता था। जबकि करंट सिनेरियो की बात की जाए तो एक अच्छा मैनेजमेंट प्राइमरी है। मैनेजमेंट मेथड्स ट्रेडिशनल हुआ करते थे, और अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वो मॉडर्न में चेंज हो गए हैं। प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसानों को क्या माना जाता था, लिबरलाइजेशन जब था
जब नहीं था तब तो क्या था सेकेंडरी, यानी कि मशीनें इंपॉर्टेंट है इंसानों को, तो क्या करो कोलू की बैल की तरह एक तरीके से देखा जाए तो काम में ले सकते हो। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन प्राइमरी करा गया ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करेंगे, हार्म भी कर सकते हैं। इन दिस चेंजिंग एनवायरमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज विच आर गोइंग थ्रू सच अ प्रोसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग विच वी कैन सी विद फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इनका मैंने शॉर्ट पॉइंट मेरे नोट्स में रेडी किया है, हम वहाँ से इसको स्टडी कर लेते हैं। फेसिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ नो गुड मैनेजमेंट देन योर ऑर्गेनाइजेशन कांट बी सर्वाइव इन द करंट सिनेरियो बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, अगर आपको मैनेजमेंट ही बेकार है तो मुश्किल से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डेढ़ साल चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, बट आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो वो बहुत साल तक चलेगा और प्रॉफिट्स आपको देगा। फेसिंग कंपटीशन के लिए अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मान लो ह्यूमन रिसोर्स ही है आपका, ठीक है, आपने मैनेजर की पोस्ट पर किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को रख रखा है तो क्या होगा, वो आपके रिसोर्सेज को ना तो मनी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा ना आपकी मशीन को। एक आपने उसको रखा भी किसकी पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे, तो उसके अंडर में जो भी अदर एम्प्लॉयज होंगे वो उनको भी अच्छी तरीके से ना तो कुछ सिखा पाएगा ना उनसे काम ले पाएगा। बट एक अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा आपके पास मैनेजर है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज इट्स सिमिलर लाइक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इनोवेशन एंड इट्स यूज, देखो इनोवेशन आपने लाइन में पढ़ा होगा, व्हाट इज इनोवेशन एक्चुअली, व्हाट इज इनोवेशन, बार बार रिसर्च करके नए नए ट्रेंड्स लेकर आना, आफ्टर रिसर्च टू मेक न्यू ट्रेंड्स। पहले छोटे छोटे फोन हुआ करते थे नोकिया सैमसंग वगैरह के, ठीक है, उनमें भी लोग सेटिस्फाई थे, बट जैसे जैसे कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वी ऑल हैव एंड्रॉयड फोन्स, और उसमें भी क्या लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं है, उसमें भी उनको नए नए ट्रेंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, पहले 5 MP कैमरा पे भी लोग सर्वाइव कर ही रहे थे, बट अब तो 64 MP कैमरा चाहिए, 48 MP, वाई, ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन। बट देर इज अ गुड मैनेजमेंट देन यू कैन डू इनोवेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनोवेशन तो आपने क्या करा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर लिया, बट क्या करेंगे आपके एम्प्लॉयज उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं बेसिकली नई नई इनोवेटिव चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, बट अच्छा मैनेजमेंट लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट करवा देता है। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ इट इज जस्ट सिमिलर लाइक पॉइंट वन फेसिंग कॉम्पिटिशन। अगर आपको इस एनवायरमेंट में रहना है, इतने कॉम्पिटिशन भरे एनवायरमेंट में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना पड़ेगा, ताकि आप इस कॉम्पिटिशन वाले माहौल में सर्वाइव कर सको, और बेसिकली सर्वाइव अगर कर लिया है तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की ग्रोथ कैसे देखी जाती है भाई, उसकी जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर रन कर रही है, जो उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रन कर रहे हैं, उन्हीं से उसकी कंट्री की डेवलप ग्रोथ देखी जाती है। तो अगर वहाँ पर आपके मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। क्लियर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपकी कंट्री का होगा। कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, आप ओनर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना जरूरी है। देखो अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाओगे, खुद प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, और गवर्नमेंट को टैक्स तो कहाँ से दोगे। ठीक है, तो उनके बीच में भी एक तरीके से क्या आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि आपको अपनी कॉस्ट इस तरीके से रखनी है, उसके बाद प्रॉफिट इस तरीके से रखना है कि कस्टमर को अच्छे रेट पे आप क्या कर सको, अपनी चीज़ें बेच सको, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सको, और गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम टैक्स पे कर सको। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हम भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक वर्ड आप सुनेंगे जब आप अपने अच्छे से स्टडी करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, यानी कि इकोनॉमी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, अपने नेचर को भी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। तो स्टेबिलिटी इन सोसाइटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमी तरीके से भी होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट तरीके से भी होनी चाहिए। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपकी सोसाइटी अच्छी तरीके से रन करती है, और साथ ही वो क्या करते हैं एनवायरनमेंट को कम से कम लॉस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एनवायरमेंटली भी ग्रो करती है। देखो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मे बी आपके पॉइंट्स बुक के पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक पॉइंट्स इजीएस्ट एज पॉसिबल टू मेक अंडरस्टैंड यू। आई होप बच्चे लोग आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम रही हो तो एनी टाइम यू कैन शेयर विद ऑन कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम ऑन टेलीग्राम। सून आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।